Dear student, good morning everyone. I hope you all are good at your home. And from today, the SPS Memorial Academy will provide online classes to all the students who study in our school or who do not study in our school. All the students who are studying in class 8 will be provided online classes by the school on YouTube, Facebook, WhatsApp and many other social media platforms. Today we will discuss about force and pressure. It is chapter 10 in your book, in your science book. First of all, we will study about force. What is force? फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है कि जब भी किसी भी बॉडी को, बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, साइंस में हम बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए, रेस्ट का मतलब होता है सामान्य स्थिति यानी रोक देना, किसी चीज को रोक देना, और मोशन का मतलब होता है किसी चीज को चलाना। किसी भी बॉडी को मोशन या रेस्ट में लाने के लिए जो भी एनर्जी, जो भी बल हम प्रयोग करते हैं उसी को हम फोर्स कहते हैं। यानी वैसे भी ये फिजिक्स का एक टर्म है। इन फिजिक्स इफ अ फोर्स अ एनर्जी opposed on a body, unopposed, unopposed on a body to make it in rest or motion, is called फोर्स। यानी फिजिक्स का ये भौतिक विज्ञान का एक टर्म है, एक टॉपिक है फोर्स। यानी किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि हम कोई एनर्जी लगाते हैं वो बॉडी मोशन में आ जाता है या वो बॉडी रुक जाता है। यानी रुका हुआ है तो चल देता है और चल रहा होता है तो रुक जाता है। इसी टर्म को हम कहते हैं फोर्स यानी बल। In physics, if energy is unopposed on a body to make it rest or in motion is called force. Force का मतलब सिंपली एक और चीज होता है, आप समझ लीजिए, push और pull. Push का मतलब होता है ढकेलना और pull का मतलब होता है खींचना। ये दोनों चीज भी कहाता है force. और सिंपल लैंग्वेज में अप टू क्लास 10th फोर्स के बारे में हम यही पढ़ेंगे, पुश एंड पुल। द पुश एंड पुल टर्म इज नोन एज फोर्स। अब आता है इफेक्ट्स। फोर्स के इफेक्ट, कोई भी चीज होता है उसका इफेक्ट होता है। जैसे आप तो जब भी फील्ड में जाते हो, खेलते हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल खेल रहे हो तो आप वहां पर फोर्स का यूज करते हो। और फोर्स का यूज कैसे करते हो, वो जो फोर्स का आप यूज करते हो वो होता है उसका इफेक्ट यानी प्रभाव। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जब भी आप किसी भी जगह पे, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वहां पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ये एक बॉल है, ये एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को हमें यहां पहुंचाना है। यानी ये गोल पोस्ट है, इस फुटबॉल को हमें गोल पोस्ट में अगर पहुंचाना है तो हम इस पे किक करते हैं अपने पैरों से, और ये फुटबॉल यहां से आके ये फुटबॉल यहां आ जाता है। यानी ये फुटबॉल पहले रेस्ट में था, ये फुटबॉल पहले रेस्ट में था,
लेकिन इस फुटबॉल को हमने मोशन दिया और ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ आ गया। यानी फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये उसको मोशन में ला देता है। यानी कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो फोर्स के थ्रू हम उसको मोशन में ला सकते हैं, उस बॉडी पे फोर्स लगा के हम उसको चला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कोई बॉडी अगर चल रही हो तो हम उसको रोक सकते हैं या फिर उसको उसका स्पीड जो है वो धीरे कर सकते हैं। टू मेक रेस्ट और स्लो डाउन द स्पीड, टू मेक रेस्ट और स्लो डाउन द स्पीड। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे चीजें क्लियर नहीं दिखाई दे रही होंगी तब भी आप मेरी आवाज से चीजों को समझने का कोशिश करना, और जब भी क्लासेस शुरू होती हैं विजुअल क्लासेस जो पर्सन क्लासेस जब भी शुरू होती है नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप समझ लो जिससे आप घर पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, यानी आपका कोर्स थोड़ा बहुत कंप्लीट होता रहे। तो दूसरा पॉइंट था किसी चीज को रोकने के लिए या उसका स्पीड स्लो करने के लिए हम फोर्स का यूज करते हैं। कैसे, आप साइकिल चलाते हो, सब लोग चलाते हो, मान लो आप साइकिल चलाते हो साइकिल चल रही है और साइकिल में स्पीड है, यहां पे आपको एक ब्रेक मिला होता है, ऐसे जब भी आप दबाते हो तो आपके साइकिल का स्पीड थोड़ा सा कम होता है या फिर